आप देख रहे हैं दखल न्यूज। मोदी ने कहा, नए भारत में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, जनता के पैसे की लूट और आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं। पाकिस्तान को बड़ा झटका, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कर सकता है ब्लैकलिस्ट। चिदंबरम को फिलहाल राहत नहीं, केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा, कानून से बड़ा कोई नहीं। कांग्रेस सरकार के मंत्रियों से परेशान, एसपी के विधायक, कहा मंत्री सुनते नहीं और जमीन पर योजनाएं नहीं। और देश भर में कृष्ण जन्मोत्सव की धूम, हर तरफ हाथी घोड़ा पालकी, जय कन्हैया लाल की। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज नए भारत में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, जनता के पैसे की लूट, आतंकवाद पर जिस तरह लगाम कसी जा रही है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। नए भारत में थकने रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। नई सरकार को बने ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी सिर्फ 75 दिन ही हुए हैं, 100 दिन होना बाकी है। ये दिन स्वागत, सत्कार, जय जयकार के होते हैं। हम उस चक्कर में नहीं पड़े। अपनी फ्रांस यात्रा के दूसरे दिन मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे थे। भारतीय समुदाय से मोदी ने कहा, भारत में पिछले 5 सालों में ढेर सारे सकारात्मक बदलाव हुए हैं। यहाँ फ्रांस में फुटबॉल प्रेमियों के बीच में आया हूँ और आप जानते हैं कि गोल का क्या महत्व होता है। हमने पिछले 5 सालों में ऐसे गोल बनाए हैं जो पहले नामुमकिन माने जाते थे, मगर टीम स्पिरिट की भावना से हमने उन लक्ष्यों को साकार करके दिखाया है। एक तय समय में सबसे ज्यादा बैंक अकाउंट अगर किसी देश में खुले हैं तो भारत में खुले हैं। सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम किसी देश में चल रही है तो वो भारत में चल रही है। अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा की आबादी से ज्यादा लोग इस स्कीम में लाभार्थी हैं। मोदी ने कहा कि नए भारत में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, जनता के पैसे की लूट, आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं होगी। मैं फुटबॉल प्रेमियों के देश में आया हूं और जब फुटबॉल प्रेमियों के बीच में आया हूं तो आप भली भांति जानते हैं गोल का महत्व क्या होता है। हमने पिछले 5 सालों में कुछ ऐसे गोल रखे हैं जो पहले नामुमकिन माने जाते थे। आज नए भारत में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, जनता के पैसे की लूट, आतंकवाद जिस तरह लगाम कसी जा रही है, वैसा पहले कभी नहीं हुआ। इसके बाद मोदी ने कहा, हमने फासिज्म और एक्सट्रीमिज्म का सामना किया है। आज अगर भारत और फ्रांस दुनिया के बड़े खतरों से लड़ने में सहयोग कर रहे हैं तो उसका कारण यह साझा मूल्य ही है। भारत और फ्रांस के संबंधों की दूसरी विशेषता यह है कि हम चुनौतियों का सामना बातों से नहीं, ठोस नीतियों से करते हैं। पाकिस्तान को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने टेरर फंडिंग के मामले में पाकिस्तान को संदिग्ध सूची में डाले जाने के बाद ब्लैकलिस्ट करने का मन बना लिया है। टास्क फोर्स के एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को अपने मानकों पर खरा नहीं उतरने पर यह कदम उठाया है। टास्क फोर्स की ऑस्ट्रेलियाई शहर कैनबरा में बैठक हुई। अभी तक पाकिस्तान फाइनेंशियली एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे सूची में शामिल था। संस्था ने 11 बिंदुओं पर पाकिस्तान के टेरर फंडिंग मामले का आंकलन किया है और इनमें 10 मानकों के अनुपालन में पाकिस्तान असफल साबित हुआ है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इस फैसले का पाकिस्तान पर बड़े पैमाने पर असर होगा। पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लिए विदेश से अब आर्थिक मदद हासिल करना आसान नहीं होगा। साथ ही विदेशी कंपनियां भी वहां अब निवेश करने से हिचकिचाएंगी। हालांकि अक्टूबर में होने वाली अपनी बैठक में पाकिस्तान को काली सूची में डालने पर पूर्ण फैसला लेगा, लिहाजा ऐसी स्थिति में यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान अक्टूबर में ब्लैकलिस्ट हो सकता है, क्योंकि FATF की 27 पॉइंट एक्शन प्लान की 15 महीने की समयावधि इस समय, इस साल अक्टूबर में खत्म हो रही है।
आईएनएक्स मीडिया केस में पी चिदंबरम की अंतरिम याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई, लेकिन वहां से भी उन्हें फिलहाल कोई राहत नहीं मिली। अदालत इस मामले की सुनवाई अब सोमवार को करेगी। दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत याचिका रद्द होने पर पी चिदंबरम ने शीर्ष कोर्ट का रुख किया था। इसके पूर्व बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। सुनवाई के दौरान वकील कपिल सिब्बल ने पी चिदंबरम को अग्रिम जमानत दिए जाने के पक्ष में तर्क रखे। हालांकि इस दौरान कोर्ट ने उनसे पूछा कि पी चिदंबरम को कब तक सीबीआई की कस्टडी में दिया गया, लेकिन इसके बाद कोर्ट ने अग्रिम याचिका को लेकर अगली सुनवाई सोमवार तक को टाल दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पी चिदंबरम की तरफ से कपिल सिब्बल द्वारा बताया गया है कि पहले 19 महीनों तक अग्रिम जमानत को लटकाया गया, फिर खारिज कर दिया गया था। सीबीआई की विशेष अदालत ने गुरुवार को इसी मामले में चिदंबरम को 26 अगस्त तक सीबीआई रिमांड पर भेजने का फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि चिदंबरम के खिलाफ लगे सभी आरोप गंभीर हैं, इनकी गहराई से जांच की जानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आईएनएक्स घोटाले को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस अपने पापों को छुपाने के लिए इसे बदले की कार्रवाई का नाम दे रही, सीबीआई सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। तोमर ने कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं। आईएनएक्स घोटाले में फंसे पी चिदंबरम को लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं होता है, फिर चाहे पूर्व मंत्री हो या वर्तमान मंत्री, सब कानून की जद में आते हैं। इसके साथ ही नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि बीजेपी की सरकार में देश और राज्य में कानून का राज होता है। सीबीआई के पास जो सबूत हैं उसके हिसाब से ही पी चिदंबरम के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन कांग्रेस के लोग अपने पापों को छुपाने के लिए उसे बदले की कार्यवाही बता रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो देश और प्रदेश में कानून का राज होता है। इस मामले में सीबीआई के पास जो प्रमाण हैं उनके आधार पर सीबीआई काम कर रही है, और मैं समझता हूँ जो संस्थाएं हैं उनको आपकी भूमिका लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाह करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और वो अपनी भूमिका का निर्वाह कर रही हैं। चिदंबरम जी को जवाब देना चाहिए। देश में कानून से बड़ा कोई नहीं होता ना, चाहे पूर्व हो चाहे वर्तमान हो, कानून माने कानून। गौरतलब है कि पी चिदंबरम की गिरफ्तारी के बाद से ही इसे राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। कांग्रेस और विपक्षी दल ने बीजेपी पर बदले की राजनीति का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 2010 में पी चिदंबरम के गृह मंत्री रहते अमित शाह को गिरफ्तार किया गया था, और अब उसी का बदला पी चिदंबरम को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। देश भर में कृष्ण जन्मोत्सव पर्व की धूम है। पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री सचिन यादव ने जन्माष्टमी के अवसर पर भोपाल में राधा कृष्ण मंदिर पहुंचकर आरती की और देश में अन्नदाताओं के सुख समृद्धि की कामना की। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी राधा कृष्ण मंदिर में भाव विभोर नजर आए। भोपाल में कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। बरखेड़ी स्थित राधा कृष्ण मंदिर में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कृषि मंत्री सचिन यादव ने पूजा अर्चना की। इस मौके पर सचिन ने देश और प्रदेश वासियों की खुशहाली की प्रगति की कामना की। सचिन ने अन्नदाताओं के समृद्धि और खुशहाली की बात कही। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मंदिर पहुंचकर पूजा की। शिवराज ने कृष्ण भगवान की पालकी निकाली और हाथी घोड़ा पाल की जय घनैया लाल की जयकारे लगाए। शिवराज ने कृष्ण की मूर्ति को अपने सर पर रखकर भ्रमण भी किया। इस मौके पर नेताओं के साथ श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। आज पूरे देश और पूरे प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन जो है बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। हमारा प्रदेश, हमारा देश निरंतर आगे बढ़ता रहे, तरक्की करता रहे। हमारे जो किसान साथी हैं वो लगातार शादी करते रहे भगवान से हमारी। समाजवादी पार्टी ने कमलनाथ सरकार को बिना शर्त समर्थन दिया, लेकिन सरकार और मंत्रियों से सपा विधायक राजेश शुक्ल भी खुश नहीं है। उनका कहना है कि अकेले कमलनाथ मेहनत करते रहते हैं, मंत्री सुनते नहीं हैं और जमीन पर योजनाएं नहीं हैं। मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार से अब कुछ विधायकों का मोह भंग होना शुरू हो गया है। कमलनाथ सरकार में सब ठीक ठाक नहीं चल रहा। पहले कांग्रेस विधायक केपी सिंह ने कमलनाथ सरकार की 8 महीने की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए, तो अब समाजवादी पार्टी के विधायक राजेश शुक्ला ने भी केपी सिंह की बातों का समर्थन कर दिया है। योजनाएं जमीन पर नहीं है और मंत्री किसी की सुनते भी नहीं है। निश्चित तौर पर मैंने भी केपी सिंह जी का स्टेटमेंट सुना है। उनकी अपनी पीड़ा है और स्वाभाविक है, 6 बार के एमएलए हैं, सीनियर एमएलए हैं,
आज उन जैसे ईमानदार व्यक्ति को मंत्रिमंडल में भी शामिल होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने कोई जगह नहीं दी है। और उनने जो कहा है, मैं भी सहमत हूँ, चूँकि कुछ मंत्री हैं तो उन्हें विधायकों से लेने देना नहीं है। आज कांग्रेस की हालत ये है कि जमीन पे कोई योजना दिखाई नहीं दे रही है। राजेश शुक्ला ने कहा, कांग्रेस के इतने वरिष्ठ विधायक की पीड़ा साफ दिख रही है। सरकार बनने के बाद अधिकारी और मंत्री विधायकों के काम को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। सरकार में जो चल रहा है वो ठीक नहीं है। अजमेर से महाराष्ट्र जा रहे लोगों की एक जीप खड़े ट्रक से जा टकराई। इस हादसे में मौके पर ही 3 लोगों ने दम तोड़ दिया। यह हादसा रतलाम के पास हुआ। रतलाम में 4 लेन पर चिकलिया टोला के नाके के पहले अजमेर से दर्शन कर लौट रहा परिवार हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में जहां 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज जिला चिकित्सालय रतलाम में चल रहा है। सभी लोग अजमेर शरीफ दरगाह में जियारत करने के बाद वापस महाराष्ट्र जा रहे थे। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जीप का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। इस दुर्घटना में शफीक शेख का परिवार सफर कर रहा था। शफीक की पत्नी अलीशा, पिता सलीम शेख और एक रिश्तेदार रहीम की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। बाकी लोग बुरी तरह घायल हो गए हैं। हादसे में शफीक की 1.5 साल की बेटी अहिल को खरोंच तक नहीं आई। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कमलनाथ सरकार की किसान कर्ज माफी के बदलते प्रारूप पर पूर्व राजस्व मंत्री कमल पटेल ने निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने नया प्रारूप लाकर एक झटके में 5 लाख किसानों का कर्ज माफी से वंचित कर दिया है। यह सरकार किसानों को ठगने का नया रास्ता ढूंढ रही है और खुद तबादला उद्योग में व्यस्त है। पूर्व राज्य मंत्री कमल पटेल ने कमलनाथ सरकार पर हमला करते हुए कहा कि प्रदेश की सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया है। कर्ज माफी को लेकर बनाए गए प्रारूप पर कमल पटेल ने कहा कि प्रदेश के किसानों को ठगने का नया प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कर्ज माफी को लेकर एक के बाद एक कई प्रारूप लेकर आ रही है। पहले लाल, फिर पीले, फिर हरे नीले फॉर्म भरवाए गए। अब कुछ नए नियमों के साथ नए प्रारूप सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रदेश के किसानों में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भयंकर असंतोष है। प्रदेश में किसानों के हित की लगातार अनदेखी की जा रही है। इस प्रकार ये धोखाधड़ी और 400 BC है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किसानों के साथ धोखा किया, इसलिए एक मिनट में मुख्यमंत्री के पद पर रहने का नैतिक अधिकार ने इस्तीफा दे और नहीं तो बर्खास्त करें और हम इनके खिलाफ संघर्ष करेंगे, किसानों को साथ लेकर आंदोलन करेंगे और इनकी सीट बजा देंगे। दूसरा, किसानों को लेकर हम कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट में इनके खिलाफ 400 BC और धोखाधड़ी का मुकदमा कायम कर रहे हैं। पटेल ने कहा कि पूरे प्रदेश में किसान त्राही त्राही कर रहा है और सरकार तबादले के उद्योग में व्यस्त है। ऐसा लग रहा है कि यह सरकार तबादले के जरिए भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनाकर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाना चाहती है, लेकिन अब हम चुप नहीं बैठेंगे। अब किसानों के साथ लेकर सरकार के खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे और किसानों को उनका हक दिलवाएंगे।
जगदलपुर के तीरथगढ़ जलप्रपात में अचानक जल स्तर बढ़ने से 7 पर्यटक फंस गए। सभी पर्यटक बारिश में उफनते जलप्रपात का सौंदर्य देखने रायपुर से बस्तर आए थे। इस दौरान इसे करीब से देखने के लिए प्रपात के नीचे उतर गए और तभी वहां पानी का बहाव तेज हो गया। इस दौरान वे अंदर ही फंसे रह गए। पर्यटक के फंसने की खबर जैसे ही पुलिस तक पहुंची, दरभा पुलिस तुरंत हरकत में आई और वहां पहुंचकर पर्यटकों के अंधेरे में रेस्क्यू कर निकाला गया। बीती शाम 6 बजे के करीब कुछ पर्यटक रायपुर से जलप्रपात देखने पहुंचे थे। अचानक तेज बारिश शुरू होने से पर्यटक यहां टापू में बने मंदिर में फंस गए। फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों ने इस बात की सूचना दरभा पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस एसडीओपी डॉक्टर यूलेंडन यार्क के नेतृत्व में तीरथगढ़ पहुंच गई। तेज बहाव के बीच पुलिस के जवान एक रस्सी लेकर तेज धारा के बीच पहुंच गए। पुलिस का पूरा स्टाफ जैसे ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़ा हुआ, फंसे हुए पर्यटक उछलकर ताली बजाने लगे। आखिरकार रात को 9 बजे के बाद पुलिस ने सभी 7 पर्यटकों को रेस्क्यू कर निकाला। एसडीओपी यार्क के नेतृत्व में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को विष्णु यादव ने लीड किया। इस ऑपरेशन में पुलिस जवान रवि कुमार बैगा, सहायक आरक्षक प्यारेलाल पिस्ता, प्रधान आरक्षक घनश्याम मिश्रा, आरक्षक अजय साहू, आरक्षक पुष्पराज ठाकुर और अजीत किस्पोट्टा शामिल थे। बुधनी के रेहटी में प्रभारी मंत्री आरिफ अकील के निशाने पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे। अकील ने कहा, हमें तो लगा था कि यहाँ बहुत विकास हुआ होगा, लेकिन शिवराज सिंह ने तो अपने इलाके का ही विकास नहीं किया। सरकार के अभियान आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री आरिफ अकील रेहटी पहुंचे। यहां उन्होंने जन समस्याएं सुनी और तत्काल उनके निराकरण के निर्देश दिए। अकील के इस कार्यक्रम में जिले के सभी आला अधिकारी मौजूद थे। अकील ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार है जो सबके काम कर रही है। ये इलाका पांव पांव वाले भैया का है जो मुंगेरी लाल के सपने देखते रहते हैं। उन्होंने अपने ही क्षेत्र का कोई विकास नहीं किया। जब मैं यहाँ आया तो रास्ते में सोच रहा था ये पाँव पाँव है हमारे भैया का क्षेत्र है, यहाँ तो कोई समस्या होगी नहीं, लेकिन इस विधानसभा में दाखिल होते ही समस्याओं का अंबाल है। कहीं स्कूल में जगह नहीं है, कहीं मैकेनिकों को जगह नहीं दी गई, कहीं बच्चों के खेल मैदान नहीं है। इन सब बातें और बहुत सारी बातें हैं जो सबसे मुझसे ज़्यादा आप सबको मालूम है। पाँव पाँव वाले भैया थे, अब हवाई हवाई वाले भैया हो गए, और अब मुंगेरी लाल के सपने देखने वाले भैया हो गए। क्या मैंने हमारे नेताओं के लिए क्या क्या कहते हैं, हम तो आपको आदरणीय कह रहे हैं भाई साहब, मुँह में जबान हमारे भी है, अगर हमारी जबान खुल गई तो हम ये पूछ लेंगे कौन कौन सी बैंक के तुमने मुख्यमंत्री निवास में खोली थी और उन बैंक के लिए नोट गिनने वाली मशीन कहाँ कहाँ से बुलाए थे। भोपाल में सिंधु नवजागरण समिति ने 300 गरीब व निर्धन बच्चों को स्कूली सामग्री का वितरण किया। इस मौके पर विधायक आरिफ मसूद ने कहा, ऐसे सेवा कार्य करने वालों को बधाई और हर नेक कार्य में मैं सबके साथ हूं। भोपाल के संत नगर में सैकड़ों गरीब बच्चों को पठन पाठन की सामग्री वितरित की गई। सिंधु जागरण समिति ने यह सामग्री वितरित की। इस मौके पर मौजूद विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि ये बड़ा ही नेक कार्य है। गरीब व निर्धन बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग करना सबसे अच्छा कार्य है। मेरे लिए बड़ा ही सौभाग्य है कि मुझे ऐसे कार्यक्रम में आने का मौका मिला। विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि मैं मध्य क्षेत्र का विधायक हूँ, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, इसीलिए आपकी जो भी समस्या हैं मैं आपके साथ हूं। मैं आपकी समस्याओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचाकर उनका निराकरण करवाऊंगा। आपका धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और एक अच्छे काम के लिए बुलाया कि जब हम ये किताबें जो सामने देख रहा हूं रखे हुए जिन बच्चों को देंगे, जब ये ज्ञान पढ़ेंगे तो अच्छाई की तरफ चलेंगे, उस कार्यक्रम में आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो आप लोग निश्चित रखिए, ये कमलनाथ जी की सरकार और ये सबकी सरकार, ये किसी एक की सरकार नहीं है, सबकी है। हर एक वर्ग को सम्मान देना, उसका उसका दिया हुआ उचित स्थान देना, ये हमारी पार्टी हमारी सरकार की प्राथमिकता है। और इसमें जो बल पड़ेगा सिंधी समाज के लिए, मैं आपके भाई के रूप में भूमिका अदा करूंगा। प्रतिवर्ष सतगुरु स्वामी जयप्रकाश महाराज, स्वामी शांति प्रकाश महाराज, संत श्रोमणी हरिद्वारा साहब के आशीर्वाद से गरीब निर्धन बच्चों को स्कूल सामग्री वितरित करते हैं। आज हमने यह कार्यक्रम स्वामी शांति प्रकाश धारा में रखा है। आज हमारे मुखिया मेहमान भोपाल मध्य क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई आर्य मसूदी थे। अध्यक्षता हमारे नरेश जी अंचनानी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने की। विशेष के रूप में हमारे कैलाश मेघवानी जी, सुरेश चौटाला जी, अशोक महाराण जी आदि उपस्थित। और कार्यक्रम समाप्त हुआ और हमने 300 बच्चों को स्कूल सामग्री वितरित की। बस्तर की यह कहानी भी थोड़ी सी फिल्मी है। एक भाई पुलिस में है तो दूसरा भाई नक्सलवादी। पुलिस वाला भाई नक्सल भाई को समझाता है, चिट्ठी भेजता है,
भाई के समझाने से नक्सली भाई आत्मसमर्पण कर देता है। आत्मसमर्पण करने वाले इस नक्सली पर 5 लाख का इनाम था। किसी फिल्मी कहानी की तरह एक भाई था नक्सली तो दूसरा भाई था पुलिस वाला। भाई को सरकारी वर्दी में देखकर नक्सली भाई प्रभावित तो होता है लेकिन नक्सलवादियों का साथ नहीं छोड़ता। पुलिस वाला भाई जब बार बार समझाता है, सरकार की पुनर्वास नीति के बारे में बताता है, तब नक्सली भाई अपनी पत्नी के साथ बस्तर पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। इन नक्सली पति पत्नी पर 5-5 लाख का इनाम भी घोषित था। ये नक्सली छत्तीसगढ़ और ओडिशा में लंबे समय से सक्रिय रहकर कई बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके थे। सरेंडर नक्सली सोमारू नक्सलियों के दमन में LOS कमांडर था, जबकि उसकी पत्नी मंजू SOS की सदस्य थी। उड़ीसा राज्य में कार्यरत KKBN डिवीजन के 2 महत्वपूर्ण नक्सली कैडरों के द्वारा जगदलपुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया। ये दोनों LOS कमांडर हैं, एक जो सुमारू है वो परंगा LOS कमांडर, साथ में एरिया कमेटी मेंबर है, और दूसरी जो लेडी है मंजू, ये राहुल LOS कमांडर, साथ में एरिया कमेटी सदस्य भी है। ये दोनों महत्वपूर्ण कैडर हैं, और जैसा कि जो पुरुष है उसके द्वारा बाल संघ के रूप में यहाँ पे ज्वाइन किया गया, जो है इसके अतिरिक्त कई घटनाओं में शामिल है जिसमें कई पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। तो महिला है वो राहुल LOS कमांडर, साथ में एरिया कमेटी सदस्य, उसके द्वारा 2007 में संगठन ज्वाइन किया गया और वहाँ से होते हुए फिर उड़ीसा ट्रांसफर 2014 में हुआ और फिर वर्तमान में राहुल LOS कमांडर के रूप में कार्यरत। बस्तर IG विवेकानंद सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि सरेंडर नक्सली सोमारू 7 साल की उम्र से नक्सलियों के संगठन से जुड़ा हुआ था। 2006 से 2014 तक बस्तर में सक्रिय रहने के दौरान नक्सली लीडर राजमन का वह गनमैन रहा। इसके बाद उसे एरिया कमांडर और फिर LOS कमांडर बनाया गया। कई बड़ी वारदातों में शामिल रहा। आत्मसमर्पण नक्सली सोमारू ने बताया कि उनका भाई बीजापुर जिले के बांगापाल थाने में आरक्षक के पद पर पदस्थ है और 2017 से लेटर के माध्यम से बार बार सरेंडर करने को कहता रहा। इसके बाद दोनों ही नक्सलियों ने IG के समक्ष सरेंडर कर दिया। सोमारू की पत्नी मंजू ने बताया कि ओडिशा में नक्सल संगठन पहले के मुकाबले काफी कमजोर हो चुका है, लेकिन छत्तीसगढ़ में संगठन के लोग अभी भी सक्रिय है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने बढ़ते अपराध और पुलिस की निष्क्रियता को लेकर ग्वालियर में पुलिस स्टेशन का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। माकपा का कहना है कि क्षेत्र में मारपीट, छेड़छाड़, नशीले पदार्थों का व्यापार जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और शिकायत के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती। माकपा नेता ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कंपू थाना क्षेत्र में बढ़ते अपराध और पुलिस की निष्क्रियता के खिलाफ थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन वरिष्ठ पुलिस प्रशासन को सौंपा, जिसमें चेतावनी दी कि यदि पुलिस ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही नहीं की तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इस प्रदर्शन में आवाड़पुरा, खजांची बाबा की पहाड़ी, कैंसर पहाड़ी, मांढेर वाली माता इलाके के रहवासी भी शामिल थे। उनकी शिकायत थी कि क्षेत्र में महिलाएं और लड़कियों से छेड़छाड़ आम बात हो गई है, खुलेआम नशीले पदार्थों की बिक्री हो रही है और असामाजिक तत्वों का बोलबाला है। यहाँ पर पूरे क्षेत्र में जो नशीले पदार्थों की बिक्री हो रही है और इसके साथ साथ जो है गांजा, चरस और खुलेआम अपराधियों के द्वारा ये हो रहा है। दिक्कत यह है कि कंपू थाने में जो पुलिस है वो उनको संरक्षण दे रही है, इसके साथ साथ महिलाओं के संग मारपीट हो रही है, गरीबों के संग मारपीट हो रही है, थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर को यहाँ प्रदर्शन किया है। TI साहब को ज्ञापन दिया हुआ है और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि मैं 15 दिन के अंदर जो है ये अवैध नशे के कारोबार को बंद करवाऊंगा ये अपने थाने क्षेत्र के अंतर्गत, और जो उत्पीड़न हो रहा है और जो गरीबों की सुनवाई नहीं हो रही है उसकी सुनवाई करूंगा, चाहे वो महिलाओं पे मारपीट का मामला हो चाहे दूसरे मामले हो। अभी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा हमें एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें क्षेत्र में नशा और जुआ सट्टा आदि के बारे में बताया गया है। कुछ पुरानी शिकायतें जिसका निराकरण नहीं हुआ है वो ज्ञापन लिया गया है और उनको बाकायदा हमारे द्वारा आश्वासन दिया गया है कि कम से कम समय अधिक से अधिक समस्याओं में निराकरण कर दिया। जी हाँ, मेरे कार्यकाल की पहली की समस्या है और जल्दी से जल्दी उनको समाप्त कर दिया। इधर थाना प्रभारी का कहना है कि जो घटनाएं हैं वे मेरे आने से पहले की हैं, उन पर उचित कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने प्रदर्शनकारियों को आश्वस्त किया कि पुलिस हर पीड़ित के साथ खड़ी है। शिक्षकों के स्कूल नहीं आने पर बच्चों ने जमकर हंगामा किया और नारेबाजी की। बच्चों ने ग्राम पंचायत के दरवाजे पर बैठकर प्रदर्शन किया, साथ ही सड़क पर चक्का जाम कर दिया।
बच्चों का कहना है कि एक तो वैसे ही शिक्षकों की स्कूल में कमी है, उस पर पदस्थ शिक्षक भी स्कूल नहीं आते, जिससे उनकी पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। सागर के रेहली विधानसभा के छिरारी मुहली माध्यमिक शाला में पदस्थ शिक्षक स्कूल नहीं पहुंचे तो बच्चों ने हंगामा कर दिया। बच्चे ग्राम पंचायत में जाकर पंचायत के दरवाजे पर बैठ गए और नारेबाजी की। शिक्षकों के स्कूल नहीं पहुंचने पर बच्चों ने चक्का जाम कर दिया। हंगामे की खबर लगते ही थाना चौकी प्रभारी दलबल के साथ मुहली गाँव पहुंचे, तब जाकर के ये मामला शांत हुआ। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि बच्चे शिक्षकों के अभाव में न तो अपना कोर्स पूरा कर पा रहे हैं और न ही पढ़ पा रहे हैं। शिक्षक अप डाउन करते हैं और जल्दी चले जाते हैं। शिक्षक स्कूल ना आने और देर से आने के लिए कोई ना कोई बहाना तैयार रखते हैं। जरूरी मीटिंग थी, वो इसलिए मुझे जाना पड़ा। गेस्ट टीचर हैं गणित की, वो आज आई नहीं, उन्होंने मुझे सूचना नहीं दी और इसलिए मैं प्राथमिक शाला के शिक्षक को नहीं बुला सकी, क्योंकि मैं इसकी जानकारी नहीं थी मुझे कि वो नहीं आ रहे। माध्यमिक विद्यालय में 6 विषय हैं और पढ़ाने के लिए केवल 2 शिक्षक, जिनमें एक अतिथि शिक्षक कभी कभी ही आते हैं। ग्राम के पूर्व सरपंच संजू दीवान ने शिक्षकों को और बढ़ाने की प्रशासन से मांग की है। इस संबंध में प्रधानाध्यापक सुशीला बागरी ने बताया कि मैं जरूरी मीटिंग अटेंड करने संकुल सरारी गई हुई थी। यह मामला भाजपा के पूर्व मंत्री और वर्तमान नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव के क्षेत्र का है। गोटे गांव के परमहंसी स्थित त्रिपुर सुंदरी माता मंदिर में भगवती की प्रतिमा का श्री कृष्ण रूप में मनोहारी श्रृंगार किया गया है। मां त्रिपुर सुंदरी भगवान कृष्ण जैसी नजर आई। उनके सिर पर मोर पंख का मुकुट था और होंठों पर बांसुरी। नरसिंहपुर जिले में श्री कृष्ण जन्माष्टमी उत्सव धूमधाम से शुरू हो गया है। आकर्षक रूप से सजे मंदिरों में भगवान राधा कृष्ण की मनोहारी झांकियां सजाई गई हैं और तोरण द्वारों से मंदिरों के कपाट भगवान के जन्म का उत्सव मना रहे हैं। गोटेगांव के परम हंसी स्थित त्रिपुर सुंदरी माता मंदिर में भगवती की प्रतिमा का राधा कृष्ण रूप में मनोहारी श्रृंगार किया गया है। खास परिधान में श्री कृष्ण बनी माता के होठों से बांसुरी लगाई गई है, तो वहीं मोर पंख का मुकुट माता के सिर की शोभा बढ़ा रहा है। मां की प्रतिमा की दोनों तरफ कामधेनु गायों की झांकियां हैं, यह आने वाले श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर रही हैं। इस मंदिर में अक्सर मां का ऐसा ही श्रृंगार किया जाता है। सावन सोमवार के दिन भी मां को भगवान भोलेनाथ के रूप में सजाया गया था। जन्माष्टमी का त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ग्वालियर के गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान राधा कृष्ण का श्रृंगार करीब 50 करोड़ रुपए के जेवरातों से किया गया। जेवरातों को कोषालय से कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर में लाया गया। मूर्ति की सुरक्षा में करीब 100 जवान लगाए गए हैं, साथ ही सीसीटीवी से मंदिर की निगरानी भी की जा रही है। ग्वालियर के फूलबाग गोपाल मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर भगवान राधा कृष्ण का श्रृंगार करीब 50 करोड़ रुपए से अधिक के जेवरातों से किया गया। सिंधिया राजवंश के ये प्राचीन जेवरात मध्य भारत की सरकार के समय गोपाल मंदिर को सौंप दिए गए थे। इन बेशकीमती जेवरात हीरे और पन्ना जड़ित है। जेवरातों को कोषालय से कड़ी सुरक्षा के बीच मंदिर लाया गया। जेवरातों को गंगा जल से धोने के बाद भगवान को पहनाए गए। गौरतलब है कि भगवान राधा कृष्ण की प्रतिमा को जेवरात से सजाने की परंपरा आजादी के पूर्व से है। राधा कृष्ण की प्रतिमाओं को बेशकीमती जेवर पहनाए जाते हैं। पहनाने के बाद मंदिर की सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध भी किए जाते हैं। गोपाल मंदिर में एक विशेष जो आभूषण है महल के द्वारा दिए गए थे गोपाल मंदिर के लिए, और उसका श्रृंगार किया जाता है केवल एक दिन जन्माष्टमी के दिन। लॉकर में रखे जाते हैं ये जेवर आभूषण, माता रानी राधा रानी और कृष्ण जी दोनों के आभूषण हैं। बर्तन हैं कम से कम 110 बर्तन हैं चांदी के, सोने के भी मुकुट हैं, कलंगीदार। ये लगभग 12 साल से चढ़ाए जा रहे हैं। मेरे लिए तो अमूल्य है, इसकी कोई कीमत मैं तो नहीं बता सकता। लगभग 150 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पर जो है 3 गार्डन में व्यवस्था लगाई गई है। इनर गार्डन में गर्भगृह में एक निरीक्षक पीआई साहब के साथ 128 का बल आर्म लगा हुआ है भगवान के जेवरात की सुरक्षा के बारे में। गर्भगृह में जो है महिला पुरुष जो अधिकारी लगे हैं, कर्मचारी लगे हुए हैं, जो कि व्यवस्थित लाइन से जो है अलग अलग दर्शन उनकी कर सके, कोई भीड़ भगपड़ ना हो और दर्शनार्थियों को कोई असुविधा ना हो करने के लिए। सीसीटीवी कैमरे की यहाँ व्यवस्था है सभी।
जन्माष्टमी पर सिंधिया राज परिवार के लोग व मंत्री राधा कृष्ण के दर्शन को जाते हैं। आजादी के बाद गोपाल मंदिर से जुड़ी संपत्ति जिला प्रशासन व निगम प्रशासन के अधीन हो गई है। नगर निगम ने इन जेवरातों को बैंक लॉकर में रख दिया है। वर्षों तक ये लॉकरों में रहे हैं। साल 2007 में निगम आयुक्त डॉक्टर पवन शर्मा ने निगम की संपत्तियों की पड़ताल कराई, उनमें से इन जेवरातों की जानकारी मिली, जिसके बाद तत्कालीन महापौर विवेक सेजवलकर और निगमायुक्त ने जन्माष्टमी के दिन भगवान राधा कृष्ण की प्रतिमाओं को इन जेवरातों से श्रृंगार करने की परंपरा शुरू कराई। उसके बाद हर वर्ष इस परंपरा का पालन किया जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, खेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। From quality education to 100% placement assistance, student gets everything at LNCT University. इसीलिए LNCT University है most trusted name among students. Admissions open for UG and PG. Choose the best to be the best. LNCT University. Log on to lnctu.ac.in. आप देख रहे हैं